जैक हानमा को देखकर मुझे हमेशा विजेटा का याद आता है। जैसे विजेटा हमेशा सबसे आगे जाना चाहता है, वैसे ही जैक भी हमेशा सबसे आगे जाना चाहता है और अपने पिता यानी कि यूजुरो हानमा को हराना चाहता है। सो जैक हानमा के एनाटॉमी के लिए मुझे आप सबका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था। सो आज हम जैक हानमा की एनाटॉमी ही देखने वाले है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर नील, जैक की मॉम एक सीक्रेट एजेंट थी। वो यूजुरो को फंसाना चाहती थी जिससे आर्मी यूजुरो को पकड़ ले। जब यूजुरो को पता लगा कि डियन उसको आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रही है, तब यूजुरो ने बदला लेने के लिए उसका रेप किया। यूजुरो जैक के मॉम को नहीं मारा था जैसे उन्होंने बाकी के मॉम को मारा था। फिर जैक की मॉम ने जैक को अपने पास रख लिया। जैक हमेशा से यूजुरो से अपना रिवेंज लेना चाहता था। वो कभी भी यूजुरो का रिस्पेक्ट एंड प्यार अर्न नहीं करना चाहता था। बाद में बाकी भी सेम रास्ते में चला। पहले बाकी बस यूजुरो का रिस्पेक्ट चाहता था, पर बाद में बाकी के मॉम के मरने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो यूजुरो से बदला लेगा। जैक अपने पिता को हराने के लिए पागल सा हो चुका था। वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता था, जैसे कि वो सैंडबैग्स को 12 घंटों तक पंच मारता था, वो भी बिना कुछ खाए। जैक तब तक वेट्स उठाता था जब तक कि उसका बॉडी और उठाना पाता था। जैक ऐसा ट्रेनिंग इसलिए करता था क्योंकि जैक ये मानता था कि अगर वो नॉर्मल ट्रेनिंग करेगा तो वो अपने पिता को कभी हरा नहीं पाएगा। बाद में जैक डॉक्टर जॉन नाम के एक आदमी से मिला जिन्होंने कि यूजुरो को एक पोलर बियर को मारते हुए देखा था। उन्होंने जैक को प्रॉमिस किया कि उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर जैक उनका स्पेशल ड्रग ट्राई करेगा तो। उस ड्रग का नाम था X4। जैक अपनी ट्रेनिंग भी करता था एंड ड्रग्स भी लेता था एंड इससे वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया। धीरे धीरे जैक ड्रग्स से एडिक्टेड हो गया एंड वो मेंटली अनस्टेबल होने लगा। पहले तो डॉक्टर जॉन खुश थे जैक के रिजल्ट्स को देखकर, पर बाद में उन्होंने जैक को बताया कि वो कुछ ज्यादा ही ओवरडोज ले रहा है, पर स्टिल उन्होंने जैक को और ड्रग्स दे दिया। और ऐसे जैक अपने डैड की तरह इतना पावरफुल हो गया कि उसने एक पोलर बियर को बेयर हैंडेडली मार डाला। जैक के अनस्टेबल माइंड की वजह से उसने उस पोलर बियर को बहुत बुरी तरीके से मारा। मैक्सिमम टूर्नामेंट में जैक लड़ा था बाकी से एंड बाकी ने जैक को डिफीट कर दिया था क्योंकि जैक के ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जैक का बॉडी डिफॉर्म्ड हो चुका था। मैक्सिमम टूर्नामेंट के बाद जैक ने कुड़िया से अपने ऊपर सर्जरी परफॉर्म कराया था जिससे उसका हाइट इतना बढ़ गया। जैक की इस हाइट को सबसे पहले देखा था रित्सु ने। रित्सु ने जैक को एक रेस्टोरेंट में देखा था जहाँ जैक एक फुल स्टीक मंगाता है एंड उसको पूरा 10 सेकंड में सफाचट कर जाता है। रित्सु जैक की हाइट के इस चेंज को देखकर शॉक थे। जैक को रित्सु याद थे क्योंकि जैक ने रित्सु को मैक्सिमम टूर्नामेंट में देखा था। सो बहुत लोगों को लगता है कि जैक को आगे जाकर डीमन बैक मिलेगा, पर मैं ये क्लियर कर दूं कि जैक को शायद डीमन बैक नहीं मिलेगा। इसका बड़ा रीजन हो सकता है कि जैक यूजुरो के नजरों में इम्प्योर है। इसके अलावा जैक की मॉम जापानीज नहीं थी, उसकी मॉम कैनेडियन थी एंड बाकी की मॉम जापानीज थी। शायद ये रीजन हो सकता है कि जैक को डीमन बैग नहीं मिला। और इसके अलावा भी जैक जब दुगला पतला था तब वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता था अपने पिता यानी कि यूजुरो को हराने के लिए एंड शायद वो दुगला पतला था इसलिए वो डीमन बैग अवॉकन नहीं कर पाया हो। एंड एक बार यूजुरो ने कहा था कि जैक के पास डेविल का लक भी नहीं है जब वो पैदा हुआ था तब। हमें ये पता नहीं कि यूजुरो इससे क्या समझाना चाहते थे, पर मुझे लगता है कि यूजुरो समझाना चाहते थे कि बाकी डेविल के लक के साथ पैदा हुआ है एंड दूसरी तरफ जैक अनलकी यंग मैन है जो कि अनलकी पैदा हुआ है। बहुत फैंस मानते हैं कि जैक को एंजल बैग मिलेगा। जैक के पास डीमन बैग नहीं है पर जैक को एंजल बैग मिलेगा, ये बहुत लोगों का मानना है। एंजल बैग प्योर स्ट्रेंथ है। जैक के बचपन से क्रिश्चियनिटी में फेथ उसको ये मौका बना देता है कि उसको एंजल बैग मिले एंड बाकी रायन में जैक के बचपन को देखने के बाद फैंस बहुत एक्साइटेड है जैक की आगे की स्टोरी देखने के लिए। एंड यस, ये बस एक थ्योरी है। सो बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है, क्या जैक को एंजल बैग मिलेगा कि नहीं। अब देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि जैक बाकी को हेट करता है क्योंकि बाकी जैक से ज्यादा पावरफुल है इसलिए, बल्कि जब जैक पहली बार बाकी से मिला था तब उसने सच्चाई बताया था कि वो है बाकी का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तब वो बेचारा रो पड़ा था क्योंकि उसने अपने ही भाई से जो लड़ना था। जैक कभी बाकी से जेलस नहीं होता कि बाकी उसको सरपास कर देगा या फिर और कुछ। सो इतना तो हम कह सकते हैं कि जैक और बाकी के रिलेशंस एज ब्रदर्स बहुत ही अच्छे हैं। भले ही जैक के पास डीमन बैक ना हो, पर जैक ने बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किया है सीरीज में। जैक ने बेयर हैंडेडली पोलर बियर को मार डाला था जैसे कि यूजुरो ने मारा था। जैक ने कॉन्विक्ट्स के सिकोरसी को भी डिफीट किया है एंड जैक के पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि पूरा टेलीफोन बूथ हिल गया था। एंड जैक ने मोहम्मद अली के अटैक्स भी झेला है एंड उसको हराया भी है। एंड जैक ने पिकल को भी अच्छा टक्कर दिया था एंड पिकल एक पॉइंट पर जैक से डर भी गया था। जैक स्टेरॉइड्स के ऊपर डोज को भी सह लेता है और इतने डोज की वजह से वो जानवरों की तरह लड़ता है। वो बस अपने सामने वाले बंदों को डिफीट करना चाहता है। जैक का ड्यूरेबिलिटी बहुत है एंड वो बहुत तेज भी है एंड इसी वजह से जैक अंत तक लड़ पाता है। बाकी के साथ लड़ाई में जैक का एक हाथ टूट गया था एंड जब पिकल ने उसका आधा चेहरा खा लिया था इससे हमें जैक का ड्यूरेबिलिटी पता चलता है। और भाई, जैक ना सबसे ज्यादा अपने दांतों का यूज करता है। जैक अपने दांतों से कुछ भी काट सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है। जैक अपने दांतों से बहुत ज्यादा वेट्स भी उठा सकता है। जैक ने एनामिट फाइबर को भी काटा था जो कि मोटरवे के शर्ट में था। और मैं बता दूं, एनामिट फाइबर प्लेन एंड पैराग्लाइडर में यूज होता है जिसकी मजबूती बहुत ज्यादा है। जैक ने इस प्रोसेस में अपने सारे दांत खो दिया था, पर स्टिल उसने थोड़ा सा हर्ट किया था मोटरवे को। मोटरवे एंड जैक की फाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप हिंदी में देख सकते हो। अपने दांतों के अलावा भी जैक अपने ब्रूट फोर्स एंड अपने दिमाग का भी यूज करता है। अब वो अपने दिमाग से हमला नहीं करता, मतलब कि
वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करता है। जैसे कि जैक ने गोकी सिबुगावा को डिफीट किया था, गोकी सिबुगावा ने जैक को आईकी से हराया था बहुत बार, पर जैक ने आईकी को समझा और उसने उनको डिफीट किया। एंड जैक ने अपने मसल्स को ऐसे ट्रेन किया है कि वो हारने के बाद भी एक लास्ट मूव कर सकता है, जो कि उसने पिकल के खिलाफ यूज भी किया था। वो तो शुक्र है कि पिकल ने जैक के हमले को पहले ही सेंस कर लिया था, वरना शायद पिकल वही मारा जाता, क्योंकि जैक की दो उंगली सीधा पिकल के ब्रेन में जाके लगता। मोटेबे के साथ लड़ाई में अपने दांत खोने के बाद जैक ने अपने दांतों को रिप्लेस कर लिया टाइटेनियम के दांतों से, और जैक अपने एक टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए पूरी दुनिया घूमने लगा। अंत में जाके उसने ये टेक्निक ताइवान में कंप्लीट किया, और जैक इस टेक्निक को बुलाता है गोडो, और इस टेक्निक से जैक एक कॉइन को ट्रायंगल शेप में ला सकता है। एंड जैक का विजन भी बहुत इंप्रूव हुआ है, वो थोड़े बहुत मेजर एंड माइनर ब्लड सेल्स देख सकता है, ये कुछ कुछ एक्सरे विजन की जैसा है। जैक अपने गोडो टेक्निक से किसी भी एनिमल या इंसान को चीर कर रख सकता है, एंड इवन अगर कोई इसके फेस पर पंच मारे तो जैक उसको काट के उसका हालत खराब कर सकता है। यहाँ तक कि जैक ने नोमिनो सुकुने 2 का एक फिंगर भी खा लिया था। ऐसा जैक ने तब किया था जब सुकुने ने जैक को पंच मारा था, और जैक ने नोमिनो सुकुने को डिफीट भी किया है। और मैं बता दूं, सुकुने का ग्रिप स्ट्रेंथ यूजरो से भी ज्यादा है, और सुकुने को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है सीरीज का। सो जैक बस चाहता है अपने माँ का बदला लेना यूजरो से, क्योंकि यूजरो ने उसके माँ का रेप किया था, एंड इसीलिए जैक ने स्टेरॉइड्स लिया एंड ट्रेनिंग किया, जिससे वो एक मॉन्स्टर बन गया। जैक ने अपना बहुत बार सर्जरी करवाया था, वो कोमा में भी गया था पर वो बच गया था। इवन पिकल ने उसका आधा फेस खा लिया था, पर स्टिल जैक हार नहीं माना। जैक एक फाइटर से ज्यादा एक एनिमल की तरह लड़ता है, एंड हम जैक के बहुत सारे फाइट्स में जैक का ये बिहेवियर देख भी सकते हैं, एंड इवन पिकल भी जैक से डर गया था। सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्या जैक अनमा उम्र में बाकी से बड़ा है? हाँ, वो बाकी से 2 साल बड़ा है। क्या बाकी जैक से स्ट्रॉन्ग है? सो हाँ, बाकी जैक से स्ट्रॉन्ग है, पर बाकी राइन में जैक प्रोबेबली बाकी को हरा सकता है। तो आखिर जैक अनमा एक प्योर अनमा क्यों नहीं है? देखो, यूजरो ने जैक के मॉम को रेप किया था और तब जाके पैदा हुआ था जैक, पर यूजरो ने बाकी के मॉम के साथ सेक्स किया था जिससे बाकी पैदा हुआ था। सो कॉन्सेंसुअल सेक्स एंड रेप में फर्क है। आखिर लोग जैक अनमा को पसंद क्यों करते? जैक अनमा का स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो वो कभी हार नहीं मानता। तो आखिर जैक अनमा के जॉ के साथ हुआ क्या था? सो जैक अनमा के जॉ को पिकल ने खा लिया था। क्या जैक अनमा वीक है? हाँ, सीरीज में पहले वो वीक था, पर अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या जैक अनमा काटता है? हाँ, जैक अनमा एंड पिकल दोनों ही काटते हैं। क्या जैक यूजरो को हेट करता है? हाँ, वो अपने पिता को हेट करता है। आखिर जैक ने अपना हाइट वापस क्यों बढ़ाया? इसका सीधा जवाब है, वो पिकल के हाइट को मैच करना चाहता था। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे ड्रग्स पसंद नहीं, पर भले ही जैक ड्रग्स लेता है फिर भी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है बाकी में। एंड मैं आगे जरूर जैक वर्सेस यूजरो एंड जैक वर्सेस बाकी का रीमैच देखना चाहूंगा। आप बताना कमेंट में कि आपको जैक कैसा लगता है, एंड अगर Q&A का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा तो जरूर से पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, होप कि आपको आज वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।